हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हो आई होप आप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको खीरे के पराठे बना के दिखाऊंगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हम इस खीरे के पराठे बनाएंगे और इन पराठों को दही के साथ खाए बहुत अच्छा लगता है। मक्खन डाल के खाओ, कैसे भी खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने में। तो मेरी वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और देखिए मैं खीरे के पराठे कैसे बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, खीरे के पराठे बनाने के लिए मैंने ये दो खीरे ले लिए हैं और इनको मैं अब कद्दूकस कर लेती हूँ। तो खीरे को देखो, हमें ऊपर की साइड से ऐसे कट करना चाहिए और इसको थोड़ा सा हमें ऐसे इसके रगड़ना चाहिए ताकि इसका जो कड़वापन है वो नहीं रहे। तो दोनों साइडों से हम ऐसे ही कर लेंगे। अब इसके हम छिलके उतार देते हैं और टेस्ट जरूर करना, कभी कड़वा ना हो। टेस्ट करके ही हमें उसको कद्दूकस करना है। और सच में दोस्तों, ये खीरे के पराठे ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप भी एक बार ट्राई करना। तो मैंने इसको छील लिया है और इसको अब मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ, कड़वा तो नहीं है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो बिल्कुल सही है, ये कड़वा नहीं है। उसके बाद मैं दूसरा भी कर लेती हूँ ऐसे ही। अब इसको मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कर चुकी हूँ। अब मैं इनको इनके अंदर से अच्छे से इनका पानी निकाल लूंगी और इनको हमें बहुत टाइट इन हाथों से करना है। इनका पूरा पानी निकालना है, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। और जो ये पानी है इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, क्योंकि इस पानी में बहुत ही ज्यादा पौष्टिक तत्व है, इसलिए इसको बिल्कुल नहीं घेरना। और ये जो पानी है इसको मैं आटा इसका गूंदूंगी, उसके अंदर काम में लूंगी। तो प्लीज इस पानी को आप बिल्कुल भी मत फेंके, क्योंकि खीरे का जो ये पानी है ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर कितना पानी निकल चुका आप खुद ही देख लीजिए। और ये मैंने यहाँ पे इनको बिल्कुल इनका पानी निकाल दिया है, आप खुद ही देख लीजिए। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी खीरे के पराठे बनाने के लिए। तो ये तो खीरे के ये ले लिए हैं मैंने दो। उसके बाद मैंने ये कुछ मसाले लिए हैं। तो देखिए क्या क्या लिया है मैंने। कसूरी मेथी ली है, जीरा लिया है, लाल मिर्ची पाउडर ली है, और ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है, धनिया पाउडर, नमक और कसूरी मेथी, और ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने। इधर की साइड ये लिए हैं मैंने प्याज, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, धनिया ये पत्ते हैं सॉरी, और ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कढ़ाई में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल लिया है, ज्यादा तेल नहीं लेना है। तो तेल हमारा आ चुका है, उसके बाद हम ये जीरा डालेंगे। जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद ये हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज मैंने जो बारीक बिल्कुल काट के रख दी थी, अब इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब प्याज को हम अच्छे से रोस्ट होने देंगे। अब ये थोड़ी सी हींग डाल दूंगी मैं इसमें। अभी जितने भी सूखे मसाले हैं ये सब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो मसाले देखो हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी खीरे का जो पेस्ट ये बनाया था मैंने। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे और इसका पानी इसके अंदर जो भी है थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी हम अच्छे से सुखा देंगे।
हरी पत्तियां ली थी ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। तो हरी पत्तियां भी इसके अंदर डाल दी हूँ। अब इसके अंदर हम एक चम्मच बेसन की भी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है बेसन, बस एक ही चम्मच डालना है। अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चीजें अच्छी से हमारी भुन चुकी है। आप खुद ही देख लो कितनी अच्छी से ये हमारी भुन गई है। अब इसको हम बर्तन में निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है, तो जब तक मेरा तवा गर्म होता है तब तक मैं ये बना लेती हूँ पराठा। थोड़ा सा आटा लगाएंगे इसके सूखा, इसको थोड़ा सा बेलना है, ज्यादा नहीं बेलना है। अब इसके अंदर हम ये मसाला भरेंगे। और ऊपर की साइड से हम इनको बंद कर देते हैं। तो अब इसको हम बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, ज्यादा दबाव देंगे तो हमारी स्टफिंग निकलने का डर रहेगा, तो इसको बिल्कुल ही हल्के हाथ से करेंगे। तो देखो इसको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और आप खुद ही देख लीजिए। तो ये हमारा बन चुका है। अब इसको मैं तवे के ऊपर डाल देती हूँ। इस साइड से सिक गए हैं, मैंने पलट दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सा सिक गया। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने दूसरा भी बना लिया है, इसको भी मैं अब डाल देती हूँ। ऐसे करके हम सारे बना लेंगे। और देखो साइडों में से थोड़ा बहुत तो जरूर निकलेगा इसमें से, क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है कि कितना भी कर लो फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है। तो देखिए ये दूसरा भी रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर भी ये मेरा अच्छे से सिक चुका है पराठा, और मैंने घी दोनों साइडों से लगा दिया है इसके। इसको हम अच्छे से पलट पलट के इसको हम करेंगे। तो देखो ये भी बन चुका है, इसको हम एक बार फिर से पलट देते हैं। तो देख लीजिए कितना अच्छा बना है पराठा, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस साइड से सिक चुका है, अब इसको हम इस साइड से भी सेकेंगे, और ये बहुत ही करारे करारे बनते हैं बिल्कुल ही। तो देखिए फ्रेंड्स, खीरे के पराठे बनके हो गए रेडी, और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो देख लीजिए, ये दही डाला है मैंने और मक्खन डाला है थोड़ा सा, और इनका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, लाइक करना। मिलती